हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर में के यूनिट नंबर 10 की, और इस लेक्चर सीरीज के पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ किया था, और उसके बाद कुछ डिडक्शंस हम लोगों ने उससे ड्राइव की थी। आज हम लोग उसी से आगे फर्दर कंटिन्यू करके कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, हमारे चैनल के ऊपर हमने फर्स्ट ईयर के और भी बहुत सारे यूनिट सॉल्व किए हुए हैं, उन सारों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अगर आप लोग यूनिट 10 के अलावा 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से भी कोई यूनिट करना चाहें तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। बात शुरू करते हैं जी आज के लेक्चर की। आज हम लोग अपनी बात करने लगे हैं जी अलाइड एंगल्स। ये अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन से बात स्टार्ट करते हैं। कहता है जी कोई से भी दो एंगल्स अल्फा और बीटा अलाइड होंगे एक दूसरे के साथ, कब, अगर उनका सम या डिफरेंस मेरे पास पाई बाय टू का इंटीग्रल मल्टीपल आए, कि इन दोनों के सम या डिफरेंस के लिए देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर एन, कि मैं इनका सम लूँ या डिफरेंस लूँ, इट विल ऑलवेज गिव मी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। इसके बाद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा अलाइड एंगल्स हैं, कि अगर बीटा में मैं पाई बाय टू का इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करूं तो अल्फा आ जाए, या सब्ट्रैक्ट करूं पाई बाय टू के इंटीग्रल मल्टीपल में से बीटा तो अल्फा आ जाए। बोथ वेज पॉसिबल है, सम में भी और डिफरेंस में भी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जी अलाइड एंगल्स के। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज एंड 330 डिग्रीज, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये दो एंगल्स अलाइड हैं एक दूसरे के साथ या नहीं। तो डेफिनेशन मेरी कहती है कि मैं इनका सम लूँ या डिफरेंस लूँ, अगर पाई बाय टू का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया तो ये अलाइड होंगे। 30 डिग्री 330 डिग्रीज चेक कर लेते हैं, डेफिनेशन कहती है सम या डिफरेंस। मैं सम से बात करता हूँ, अल्फा के अंदर बीटा को ऐड करवाता हूँ। अल्फा मेरे पास क्या है जी 30 डिग्रीज, ऐड करवा रहा हूँ बीटा विच इज माय 330 डिग्रीज, दोनों को जमा करने में कितना आ जाएगा, आई विल गेट 360 डिग्रीज। और 360 क्या ये 90 डिग्री का पाई बाय टू रेडियंस का मल्टीपल है, जी हाँ इट इज़ 4 times ऑफ 90 डिग्री। यानी कि मेरे पास मेरे दो एंगल्स कौन कौन से जी 30 डिग्री और 330 डिग्री का सम जो है इन दिस एग्जाम्पल वो 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया, फोर्थ मल्टीपल है। तो इसका मतलब 30 डिग्री और 330 डिग्री एक दूसरे के अलाइड एंगल्स हैं। सम की एक डिफरेंस की भी एग्जाम्पल देखते हैं। अल्फा मैंने लिया है पाई बाय 3 रेडियंस एंड बीटा इज 17 पाई बाय 6, क्या ये अलाइड है, सम या डिफरेंस, दो बातें हैं। सम की एक एग्जाम्पल देखिए, डिफरेंस की बात करते हैं। मैं अल्फा से बीटा का डिफरेंस चेक कर लेता हूँ। अल्फा मेरे पास है जी पाई बाय 3, माइनस बीटा कितना है जी 17 पाई बाय 6 रेडियंस। फ्रैक्शंस हैं, मैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एलसीएम लेंगे 3, 6 का एलसीएम क्या आता है आपके पास जी 6, 3, 2 6, तो इट विल बी 2 पाई माइनस, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिरेटर आ जाता है एज इट इज़। 2 पाई में से 17 पाई माइनस करें, यू विल हैव माइनस 15 पाई बाय 6। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कटिंग हो रही है जी, कहाँ पे जी 3, 2 6 एंड 3, 5 15, यानी कि ये मेरे पास आ गया माइनस का 5 times ऑफ पाई बाय 2। अगेन पाई बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल, माइनस 5 इज एन इंटीजर, वही चीज़ कि मेरे पास दो एंगल्स का डिफरेंस पाई बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स दीज टू एंगल आर अलाइड टू ईच अदर। हम लोगों ने अलाइड एंगल्स पढ़े हैं, आगे एक्सरसाइज के अंदर हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देयर विल कम सम क्वेश्चंस जिनके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू इन अलाइड एंगल्स पे कैलकुलेट करनी होगी। इन पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने से पहले देर आर सर्टन मोर थिंग्स दैट यू शुड नो। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो सेकेंड लेक्चर था कुछ डिडक्शंस ड्राइव की थी फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट वर दे, हमने कहा था जी कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये भी मेरे पास अलाइड एंगल की डेफिनेशन ही है कि एंगल के अंदर पाई बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में पाई बाय 2 में से थीटा माइनस, सेकंड में पाई बाय 2 में से थीटा प्लस, तो मेरे पास ये किसके इक्विवेलेंट, ये फर्स्ट साइन थीटा के, और जब कोस पाई बाय 2 में थीटा ऐड हुआ वो क्या आ रहा है जी नेगेटिव का साइन थीटा,
और इसी तरह साइंस से रेलिवेंट भी हमने दो डिडक्शंस ड्राइव की थी। ये कौन सा केस हम लोगों ने किया है, जब मेरे पास पाई बाय टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल यानी या फर्स्ट इंटीग्रल मल्टीपल आप कह लें वन टाइम ऑफ पाई बाय टू था। अगर मैं इसके अंदर, क्योंकि हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे हैं, मैं एन कोई भी इंटीजर ले सकता हूँ, मैं वन से बढ़ा कर टू कर दूँ, तब मेरे पास क्या रिजल्ट होगा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इसी आइडेंटिटी को चेक करने लगूँ जी टू टाइम्स ऑफ पाई बाय टू के लिए, तो टू टाइम्स ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, कैलकुलेट करते हैं ज़रा आंसर को क्या होगा। टू टाइम्स ऑफ पाई बाय टू है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, टू टाइम्स ऑफ पाई बाय टू का मतलब यही है कि दो पाई बाय टू ऐड हो रहे हैं, आई कैन राइट इट लाइक दिस माइनस थीटा आ गया आपके पास। अब इस सारे को अगर मैं ऐसे सपोज करूं, अब इस सारे को मैं अपना थीटा सपोज करता हुआ कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, ये डिडक्शन हम लोगों ने प्रूव की थी किसके इक्वल होती है नेगेटिव साइन थीटा के, यानी ये मेरे पास आ गया माइनस का साइन और थीटा की जगह पे मेरा ये सारा एंगल है विच इज पाई बाय टू माइनस थीटा। अब आगे मेरे पास साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, ये पाई बाय टू है, थीटा इसमें से माइनस हो रहा है, डिडक्शन हम लोग पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो यानी ये मेरे पास यूजिंग दिस कॉस थीटा ही आ जाएगा और बाहर वाला साइन विल रिमेन सेम, यानी कि कोस ऑफ टू टाइम्स पाई बाय टू माइनस थीटा मेरे पास क्या रिजल्ट कर रही है, माइनस का कोस थीटा रिजल्ट कर रही है। अगर इसको मैं जनरली कहूँ तो पाई बाय टू का इवन मल्टीपल में से जब मेरा थीटा माइनस हो रहा है तो तब मेरी रेशियो चेंज नहीं हुई, जबकि पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल में से जब मेरा थीटा माइनस हो रहा था या थीटा प्लस हो रहा था तब मेरी रेशियो जो है वो चेंज हो रही थी। तो ये हम लोगों ने अभी वन टू के लिए किया। अगर मैं थ्री टाइम्स ऑफ पाई बाय टू करूँ क्या तब भी ये चीज़ होल्ड करेगी, चेक कर लेते हैं जी। मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी कोस थ्री टाइम्स ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। अब इसको मैं क्या करूँगा, थ्री टाइम्स ऑफ पाई बाय टू है, कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली मैं इसको भी ब्रेक करूँगा जैसे मैंने टू टाइम्स ऑफ पाई बाय टू को किया था, करें इसको ब्रेक, यानी इसको मैं लिखूँगा कोस पाई बाय टू प्लस टू टाइम्स ऑफ पाई बाय टू कर लिया अलहदा माइनस थीटा के साथ। अब इस सारे एंगल को एज थीटा ट्रीट करते हैं हम लोग, ये सारा एंगल थीटा ट्रीट करें तो पाई बाय टू प्लस थीटा वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे जी, ये हम लोगों ने इस्तेमाल की पाई बाय टू प्लस थीटा हो तो माइनस का साइन थीटा आ जाता है, यानी ये कोस हो जाएगा माइनस का साइन और ये मेरा थीटा इन केस, तो ये आ जाएगा जी टू टाइम्स ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा के। अब टू टाइम्स पाई बाय टू माइनस थीटा, टू टाइम्स को हम कैसे सोल्व किया है, ये आपके पास पड़ी हुई है कि पाई बाय टू में दो बार ब्रेक करेंगे तो ये तो माइनस साइन रहेगा आपके पास वैसे ही, एक पाई बाय टू लदा प्लस पाई बाय टू माइनस थीटा। अब आप इस पाई बाय टू माइनस थीटा को ट्रीट करें अपना थीटा और कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, पाई बाय टू प्लस थीटा वाली, कौन सी है जी साइन में पाई बाय टू प्लस थीटा, ये वाली किसके इक्वल आती है कॉस ऑफ थीटा, तो ये बाहर वाला माइनस रहेगा वैसे ही। इसके ऊपर फोर्थ प्रॉपर्टी ये जो हम लोगों ने यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखी है लगाने पे कोस थीटा आ रहा है प्लस का, तो कोस और ये मेरा थीटा ट्रीट हो रहा है पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा के तौर पे ये सारी वैल्यू आएगी डन। अब अगेन वन पाई बाय टू माइनस थीटा कोस में कौन सी प्रॉपर्टी है जी, ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, डिडक्शन प्रूव की है पिछले लेक्चर में, वन पाई बाय टू माइनस थीटा किसके इक्वल होती है साइन थीटा के। अब यहाँ पे बाहर माइनस में से कोस पाई बाय टू माइनस थीटा की जगह पे कौन आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, यानी कोस ऑफ थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा किसके इक्वल है माइनस साइन थीटा के। अगेन ऑड मल्टीपल है पाई बाय टू का, थीटा माइनस हो रहा है तो मेरी रेशियो क्या हो गई है चेंज हो गई है। साइन आपके पास आप देखें तो डिफरेंट आ रहे हैं, कभी प्लस आ रहा है कभी माइनस आ रहा है, यहाँ पे अगेन आपके पास माइनस फिर से माइनस। अब ये माइनस और प्लस का साइन
इसको अपार्ट फ्रॉम दिस रूल हम लोग डील करेंगे। कैसे डील करेंगे? हम लोग अपना एंगल देखा करेंगे किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका साइन डिसाइड हुआ करेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें पता चली वो ये कि मेरे पास कॉस साइन में चेंज हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है? जब पाई बाय टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल थीटा को माइनस कर रहा है या पाई बाय टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में थीटा प्लस हो रहा है। इवन इंटीग्रल मल्टीपल पाई बाय टू में से थीटा माइनस करें तो मेरी रेशियो चेंज नहीं हो रही। ये बात पे गौर करनी है, अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है पाई बाय टू का रेशियो चेंज हो रही है, साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में चेंज हो रहा है, ये साइन कोस में चेंज हो रहा है। कोस को आप लोग जानते हैं, कोस इसका पूरा नाम क्या है? इट इज कोसाइन। कोसाइन नाम पे थोड़ा गौर करें, कोसाइन है ये बेसिकली, यानी साइन का को फंक्शन है कोस। कोस का फुल नेम इज कोसाइन, कोसाइन है ये बेसिकली साइन का को फंक्शन, यानी के जो कोस है वो अपने को फंक्शन में चेंज हो रहा है, साइन अपने को फंक्शन कोसाइन में चेंज हो रहा है। तो मतलब ये कि जब भी पाई बाय टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स में से थीटा माइनस हो या थीटा प्लस हो तो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होगा। साइन का को फंक्शन कोसाइन है, कोस का को फंक्शन साइन है, ये आपस में चेंज होंगे। इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के भी को फंक्शन में भी आपको बताता हूं, एंड देन इसका एक जनरल रूल लिखते हैं। और जनरल रूल के लिए मैं फिर से एक बात बता दूं कि जनरल रूल में हम लोग इनके को फंक्शन में इंटरचेंजिंग देखेंगे। और एक चीज़, ये साइन वाला जो मसला आपके सामने है कि कभी माइनस में आ रहा है कभी ये प्लस आ रहा है आप लोगों के पास आंसर, तो ये चीज़ हमारी इंडिपेंडेंट है इस जनरल रूल से। हमारा साइन प्लस का आना या माइनस का आना ये डिपेंड करेगा हमारे अलाइड एंगल्स पे कि ये किस क्वाड्रेंट में मेरा अलाइड एंगल लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा साइन डिसाइड होगा। तो को फंक्शंस की बात हम लोग कर रहे थे और हमने क्या बात बताई कि जो साइन है इसका को फंक्शन हमारे पास होता है जी कौन? कोस। पूरा नाम कोसाइन, इट इज बेसिकली कोसाइन, साइन का को फंक्शन। और हमने ये चीज़ देखी कि जब भी पाई बाय टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में से थीटा माइनस हो या प्लस हो तो मेरा साइन और कोस आपस में क्या हो रहे थे? ये दोनों इंटरचेंज हो रहे थे कोस साइन में और साइन कोस में। दीज आर दी को फंक्शंस ऑफ ईच अदर। इसी तरह जो आपके पास सीकेंट है इसका को फंक्शन कौन होगा जी? कोसीकेंट, जिसको आप लोग साइन के रेसिप्रोकल के तौर पे जानते हैं, ये कोसीकेंट है। कोसीकेंट यानी सीकेंट का को फंक्शन। सो सिंपली सीकेंट कोसीकेंट में चेंज होगा और कोसीकेंट सीकेंट में चेंज होगा, लेकिन कब? जब भी पाई बाय टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में से मेरा थीटा प्लस या माइनस हो रहा होगा। और तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा जी कौन? टेंजेंट। टेंजेंट का को फंक्शन फिर कौन होगा? आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, इट विल बी कोटेंजेंट। कोट का पूरा नाम क्या जी? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट यानी टेन का को फंक्शन। सो ऑब्वियसली टेन कोट में चेंज होगा और कोट टेन में चेंज होगा। और ये कब चेंज होंगे? मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब भी पाई बाय टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में से थीटा माइनस हो या प्लस हो तब मेरी जो रेशियोज हैं वो अपनी को रेशियोज में चेंज होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फंक्शंस में जाएंगे, साइन को साइन में जाएगा, सीकेंट को सीकेंट में, टैन को टैन में। क्लियर हो रही है ये बात? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली कोट टैन में चेंज होगा, कोसीकेंट सीकेंट में, कोसाइन साइन में। कब? पाई बाय टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल के केस में। तो इस रूल को जनरलाइज करके लिख लेते हैं जी, क्या? कि इन जनरल जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा किस पर जी? पाई बाय टू के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल के लिए जो थीटा में प्लस हो या माइनस हो तो मेरे पास दो मुमकिन आंसर्स आ सकते हैं। एक तो ये कि ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है थीटा आ जाएगा, और दूसरा ये चेंज होगा किसमें जी? को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा।
और साइन की बात रही, हमने देखा कभी प्लस आ रहा है कभी माइनस आ रहा है, तो ये इसका प्लस या माइनस होना इस रूल से इंडिपेंडेंट है, उसको भी हम लोग अभी बताएंगे। क्या बताएंगे? कि वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से इनका प्लस या माइनस होना डिसाइड होगा। और रही बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज कब आना है, ये तब आना है जब एन जो है मेरे पास इवन इंटीजर हो। कोई भी इवन इंटीजर हो तो इन दैट केस मेरे पास रेशियो ने सेम रहना है, चाहे थीटा माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो। लेकिन अगर मेरे पास एन जो है वो ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होना है, साइन कोज ने आपस में चेंज होना है ओड इंटीग्रल मल्टीपल के केस में, सीकेंड को सीकेंड ने आपस में इंटरचेंज होना है। कब जी? जब एन ओड होगा इस केस में, और टेन कोट की इंटरचेंजिंग होनी है वेन एवर थीटा प्लस या माइनस हो रहा हो, किस में से जी? पाई बाय टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में से। और जहां तक रही बात साइन की कि प्लस का आना है या माइनस का आना है, तो ये बात आप लोग जहन में रखिएगा कि साइन हमारा डिसाइड होगा किसके अकॉर्डिंग जी? एन पाई बाय टू प्लस या माइनस वट एवर एंगल आपका होगा उसके क्वाड्रेंट के मुताबिक। जिस क्वाड्रेंट में मेरा ये एंगल लाई करेगा, मैं उस क्वाड्रेंट में अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक करूंगा कि वो पॉजिटिव आंसर देता है या माइनस, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लस या माइनस इंसर्ट किया करेंगे। ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने कोज और साइन की कन्वर्जन तो देख ली, क्या सीकेंड और कोसेकेंड, टैन और कोट की कन्वर्जन्स भी ऐसे ही हैं जैसे मैंने बोली हैं? तो आइए उन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये जनरल रूल करने के बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हम इसी रूल की मदद से देखेंगे कि रेशोज कैसे जो हैं वो अपने कोफ रेशोज के अंदर चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जी, मेरे पास है सीकेंड 3π/2, इसमें ऐड हो रहा है मेरा थीटा। अब ये कहाँ पर जाएगी, इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? एक बात तो क्लियर रह जी, हम लोगों ने कहा कि जब भी पाई बाय टू का ओड इंटीग्रल मल्टीपल, अगर एन ओड होगा तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होगा। यानी सीकेंड का को फंक्शन कौन है जी? को सीकेंड, तो ये जाएगा जी को सीकेंड में। और 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में बात चली जाती है जी? वो बात हम लोग चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास क्वाड्रेंट है जी, यहाँ पे जीरो है, हेयर पाई बाई टू, यहाँ पे पाई रेडियंस, यहाँ पे आ जाता है जी 3π/2 रेडियंस। मेरा 3π/2 रेडियंस में थीटा ऐड हो रहा है, यानी 3π/2 रेडियंस में कुछ एंगल जमा करके आप किस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और फोर्थ में सीकेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो इट मीन्स ये मेरे पास प्लस का कोसेकेंट आंसर देगा। ओके क्या जी? ओड इंटीग्रल मल्टीपल पाई बाय टू, थीटा ऐड हो रहा था, ओड इंटीग्रल मल्टीपल है तो सीकेंड को अपने को फंक्शन में चेंज हुई, और बाहर वाला साइन डिसाइड हुआ किसकी मदद से जी? ये जो मेरा एंगल है इसके क्वाड्रेंट की बेस पे डिसाइड हुआ, जो हम लोगों ने ये बात कही थी। सिमिलरली आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये चीज़ चेक कर सकते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल टेन के लिए करके देता हूँ। मेरे पास है जी टेंजेंट, इसके अंदर से बड़ा नंबर को ये आप कर लें जी 8π/2 के अंदर मेरा माइनस हो रहा है, कौन जी? थीटा माइनस हो रहा है। अब ये मेरे पास क्या आंसर आएगा? सबसे पहली चीज़ कि क्या मेरे पास टेंजेंट जो है वो अपने को फंक्शन में चेंज होगा या नहीं? पाई बाय टू का कौन सा मल्टीपल है? इवन, इवन मल्टीपल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज आ जाता है, इट मीन्स टेंजेंट विल रिमेन सेम। 8π/2 माइनस थीटा, अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है उस हिसाब से मेरे इस टेंजेंट थीटा का साइन डिसाइड होगा कि प्लस आना है या माइनस आना है। चेक कर लेते हैं, सिंपल है, अपने क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लें। यहाँ पे जीरो है, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, जिसको हम 2π ही लिख लेते हैं, तो ये 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2,
8π/2, यानी कि 8π/2 एंगल मेरे पास उधर ही आता है जहाँ पे 0 रेडियन या 2π रेडियंस लाई कर रहा है। तो 2π रेडियंस यानी 8π/2 में से माइनस करेंगे कोई एंगल तो आप पीछे को आएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये मेरे पास माइनस का टेन थीटा रिजल्ट करेगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, बाहर माइनस का साइन या प्लस का साइन प्योरली मेरे इस एंगल के क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा कि आउट ऑफ ऑल फोर क्वाड्रेंट्स वो किन में लाई कर रहे हैं। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके पास रेडियंस में डिस्कस की हैं। अब ज़रा एक एग्जांपल हम लोग डिग्रीज में भी देख लें। से मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी कि टेंजेंट थीटा मेरे पास है 450 डिग्री माइनस थीटा, 450 डिग्री थीटा माइनस हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने चेक ये करना है कि 450 डिग्रीज मेरे 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। तो सिंपल इसको आप 90 पे डिवाइड करवाएं, यू विल कम टू नो कि ये आपके पास 5 times of 90 degree है, यानी कि 90 डिग्री का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो टैन किस में चेंज होगा जी? अपने को फंक्शन में। और टेंजेंट का को फंक्शन को टेंजेंट, नाम से ही जाहिर है, यानी इट विल चेंज टू को टेंजेंट थीटा। प्रॉब्लम है साइन की, बाहर प्लस आना है कि माइनस आना है, कौन फैसला करेगा? ये एंगल फैसला करेगा। ये एंगल कहाँ लाई करता है? चेक कर ले, आपके सामने बना हुआ 0, 90, 180, 270, 360। एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर 90 ऐड करते जाए। यहाँ पे मैं नीचे आप लोगों के लिए लिखता हूँ ज़रा, 360 में 90 ऐड करें 450, फिर 90 ऐड करें आपके पास 540। मेरा एंगल क्या 450 था, ये रहा 450 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं आप? फर्स्ट में। और फर्स्ट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये प्लस का कोट थीटा मेरे पास रिजल्ट करेगा। तो ये चंद एक एग्जाम्पल्स थी जो हम लोगों ने की विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल रूल जो हम लोगों ने डेवलप किया था। तो अब इन सारी बातों को आप लोगों ने जहन में रखना है क्योंकि इसने अब थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के काम आना है।